नमस्ते दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई गेम प्ले सीरीज के साथ। अब गेम प्ले सीरीज ये है कि हर शुक्रवार को हम एक इंडियन ट्रक गेम खेलेंगे। अब गेम कैसा भी हो, क्योंकि एंड्रॉइड में जितने भी इंडियन ट्रक गेम है वो खेलने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम खेलेंगे क्योंकि हम पागल हैं, हमें व्यूज चाहिए और व्यूज आप लोग दोगे इंडियन गेम्स पर। तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट इंडियन ट्रक गेम कौन सा है। दरअसल आज मैं जो गेम खेलने वाला हूँ ना, मुझे ये अब तक का सबसे अच्छा इंडियन ट्रक सिमुलेटर गेम लगा क्वालिटी वाइज, तभी मैं इसको खेल रहा हूँ। हालांकि ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खेलने लायक है। यदि आप इसका नाम अनुमान लगा सकते हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दो, बाद में तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन साथ ही यदि आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, साइड में दिख रहे बेल आइकन को दबा लो और ऑल पर भी क्लिक कर लेना। नीचे इंस्टाग्राम हैंडल भी दिखाई दे रहा होगा, यदि फॉलो नहीं कर रखा तो वहां पर भी जाओ फॉलो कर लो, और यदि फॉलो वहां पर जाकर सर्च वगैरह नहीं करना आता ना तो डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक हैं, वहां से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट गेम पर चलते हैं और गेम को खेलते हैं। तो अभी मैंने गेम को ओपन कर लिया है, अपने सामने दो ऑप्शन है, स्टार्ट और क्विट। तो स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितने प्रकार के ट्रक्स मिल रहे हैं। तो दो प्रकार के ट्रक हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस दूसरे ट्रक का 10,000 है और अपन बहुत करीब है, केवल 100 रुपये हैं। सेटिंग में जाते हैं, स्टेयरिंग व्हील बाई डिफॉल्ट सेट है तो इसको यहाँ पर हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट कर लेते हैं इसी ट्रक को। तो दो प्रकार के गेम प्लेइंग मोड है, प्री मोड और मिशन। प्री मोड में मज़ा नहीं आएगा तो मिशन मोड में खेलते हैं, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट तो हम लोगों को मिलेगा। तो ट्रक अपने सामने आ चुका है, ट्रक के ऊपर एरो है, एरो दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करता हूँ कैमरे का, तो लेफ्ट साइड जाना है। अभी आप लोगों को याद आ रही होगी इंडियन कार्स ड्राइविंग 3D की, आनी भी चाहिए क्योंकि दोनों ही गेम एक ही डेवलपर के द्वारा डेवलप किए गए हैं, तो रस्ते वस्ते सारे सेम ही होंगे, जो व्हीकल्स वगैरह दिखाई देंगे वो भी सेम होंगे। देखो यहाँ पर कैमरा एंगल में वैरायटी है, लेकिन मैं इसी कैमरा एंगल के साथ खेलूंगा क्योंकि ज़्यादा कैमरा एंगल मैंने चेंज किया तो जो ये एरो है ना डायरेक्शन वाला ये मुझे दिखाई नहीं देगा, तो इसी के साथ खेलना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्क कर देते हैं, अपना पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। अभी आते हैं दूसरे मिशन की बारी, तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, दोबारा ट्रक अपना तैयार है, लेफ्ट साइड में फिर से चलना है और चलते जाना है। देखो इस गेम में जब स्टार्टिंग स्टेज में था ये गेम तो इंटीरियर कैमरा एंगल में हम लोगों को स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता था, लेकिन बाद में इस गेम पर काफ़ी अच्छा वर्क किया है डेवलपर ने और अब हम लोगों को यहाँ पर इंटीरियर कैमरा एंगल में स्टेयरिंग व्हील दिखाई देता है। अभी फिर से हम लोगों को लेफ्ट साइड मुड़ना है, अब की बार शायद मंजिल दूर है थोड़ी बहुत, और अब मुड़ना है हम लोगों को राइट साइड में, तो राइट साइड में कटाई कर देते हैं। अभी सीधे चलते जाना है और आगे देखते रहे ना, कहीं पर पार्किंग दिखाई देगी, इस गेम में एकदम से पार्किंग आती है। देखो ये सब गेम में आप लोगों को जो व्हीकल दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनके दूसरे गेम में भी दिखाई देते हैं, और एक डेवलपर जब कई गेम को डेवलप करता है तो ये एडवांटेज रहती है कि व्हीकल्स की कमी नहीं रहती, और इसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है। जब आप कार सिमुलेटर गेम खेलोगे इस डेवलपर का तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी भी कमी दिखाई नहीं देगी, जेसीबी वेसीबी ट्रक वगैरह सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को मज़ेदार दिखाई देगा। अभी पार्किंग कहाँ है मुझे नहीं पता, चलते जाना है बस। देखो जो दूसरा गेम है ना उसमें जो मिशन मोड है उसमें आप लोगों को टाइम लिमिट मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिल रही है, शायद आने वाली अपडेट्स में हो जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर टाइम लिमिट भी मिलेगी। तो मैंने इंटीरियर कैमरा एंगल ले लिया है तो मुझे पार्किंग स्लॉट दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो ये शायद यहीं पर है, तो यहाँ पर हम लोगों को अपने ट्रक को पार्क करना है और मिशन को कंप्लीट करना है, कैसे भी पार्क कर दो, मैंने तो खेत में ही कुदा दिया, किसका खेत था पता नहीं। तो ये लेवल भी अपना कंप्लीट हो चुका है, अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल मतलब तीसरे लेवल पर। तो लेवल तो कुछ खास नहीं है, बस छोटे मोटे लेवल्स हैं, आप आसानी से कंप्लीट करा लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब की बार रास्ता इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, अब की बार हम राइट साइड चले हैं, वरना लेफ्ट साइड से चल रहे थे दोनों ही लेवल में हम, तो अभी फिर हम लोगों को राइट साइड में करना है। ये गाड़ी वाला रास्ता नहीं दे रहा तो इसके ऊपर ही चढ़ा दी थी मैंने, तो इसने रास्ता दे दिया बाद में, चलो अच्छा है, जो जब घी सीधी उंगली से बाहर नहीं आए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यहाँ पर गन्ने के खेत नहीं, गन्ना नहीं, ये ज्वार है, ज्वार के खेत दिखाई दे रहे हैं साइड में, और मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, स्पीड फुल हो चुकी है मेरे ट्रक की, अब ट्रक मेरा मूड में है दौड़ने के और मैं इसको फुल स्पीड में दौड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट लेवल है, इसके बाद बाकी गेम आप लोगों को खुद खेलना पड़ेगा, खेलना है और इंस्टॉल कराना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पार्किंग स्लॉट आ चुका है बहुत ही सामने है, और यहाँ पर ले जाकर मैं पार्क करूँगा, अब की बार खेत में नहीं बाँटने वाला, मैं आराम से लेके जाऊँगा और आराम से पार्क करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने तीन लेवल खेले हैं, अभी थोड़ा सा हम इसका फ्री मोड भी खेलते हैं क्योंकि फ्री मोड का मज़ा अलग होता है, लेवल का अलग होता है। तो अभी मैं यहाँ से क्विट करता हूँ, होम पे जाता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ,
बाकी पैसे तो अपने पास हो गए, हो जाएंगे, ड्रो मत, खेलते रहोगे तो अपने आप आ जाएंगे पैसे। तो ये आ गया अपना फ्री मोड। यहाँ पर हम बाकी कैमरा एंगल्स का भी इस्तेमाल करेंगे और फ्री होके खेलेंगे, चाहे ट्रक किसी भी चीज़ से टकराए हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम केवल एक्सेलेटर पर पंजा दबा दिए हैं और बस भगाते रहेंगे। तो अब स्पीड का खेल है, धूम मचा ले, धूम फिल्म हो रही है यहाँ पे। ट्रक ऐसे ही चलेगा, जिसको बचना बच जाओ, जिसको मरना आके सामने मर जाओ। तो खेतों में घुस गया। अभी ये बस जा रही है, इनका एक बस गेम भी है, उसका भी हम कभी खेलकर रिव्यू करेंगे, मतलब गेम प्ले करेंगे, रिव्यू क्या ही करेंगे। रिव्यू मैं पहले एक तो यार ये लाइव रिकॉर्डिंग में यही प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं मुंह से क्या क्या निकलता रहता है। रिव्यू मैं इसका पहले भी कर चुका हूँ और रॉन्ग साइड में घुस गया मैं बातों बातों के चक्कर में। अभी आसानी से मुझे कहीं पर डिवाइडर भी नहीं मिलेगा, देखते हैं कहीं तो मिलेगा। भाई जैसी भी वाले कर दे यार डिवाइडर यहाँ पे। तो बहुत बड़ी मंजिल है, चलते जाना है, अकेले रास्ते काटना है, और कहीं पर ढाबा वाबा मिलेगा तो वहाँ पर खाना वाना भी खाएंगे। ये लाइट के मतलब बिजली के खंभे तो लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर तार नहीं है, तार शायद चोरी हो गई है। इंडिया चलता है तो ये फिर नहीं यार, ऐसे ही चलना पड़ेगा अब तो। तो कैमरा एंगल थोड़ा चेंज करते हैं, सामने देखो टोल प्लाजा आ गया है। तो टोल प्लाजा पर हम लोगों को अभी टिकट कटवानी पड़ेगी। अरे यार, अरे मार दिया यार तूने। चलो मैं ख़त्म करता हूँ यार यहीं पे गेम, ठीक है। यदि आप लोगों को इंस्टॉल कराना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंजॉय करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं कर रखा तो, जो कि आप लोगों ने कर नहीं रखा होगा। देखो गेम प्ले आप लोगों ने देख ही लिया है, तो आपको गेम का नाम भी पता चल गया होगा। खैर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस गेम का नाम है इंडियन ट्रक्स सिमुलेटर 3D। आप इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो। गेम का साइज मात्र 118 MB है। गेम को ऑफलाइन भी खेल सकते हो। तो यदि आप इस गेम को इंस्टॉल कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप इंस्टॉल करा सकते हो, साइज भी कोई बड़ा नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।